Hi, my name is Vaibhav Raj Gupta. मेरा नाम हर्ष मायर है. Hi, welcome to Cine Speaks. हमने शो देखा गुल्लक. तो आप दोनों तो भाई है उसमें, एकदम जो एकदम बहुत प्यार करते एक दूसरे से और उतना ही झगड़ते भी है. तो रियल लाइफ में आपका क्या कोई भाई बहन के साथ कैसा रहा है? जिसने ये गुल्लक सीरीज डायरेक्ट की वो मेरा सगा भाई है. अच्छा. मुझसे एक साल छोटा है. तो हमने तो यही बचपन देखा है. मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मैं बेनीगंज का रहने वाला हूँ, लखनऊ के पास एक जगह है. तो मैंने तो करीबन यही लाइफ देखी है. हम इसी पे लड़ते थे, इसी सब पे ट्रिप करते थे. तो मेरे लिए तो बहुत क्लोज है ये गुल्लक. तो यस, जो मेरा छोटा भाई है, मेरा भी एक छोटा भाई है एक्चुअली. तो हम दो ही भाई हैं और ये लोग भी दो ही भाई हैं. हाँ, तो ये जो करेक्टर मैंने प्ले किया है वो, क्योंकि मेरे घर में मैं अन्नू मिश्रा हूँ और वो छोटा भाई है, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने उसी से उठाई हैं. जो वो रियल लाइफ में जैसा है वैसा उसी से लिया है मैंने. तो मारना पीटना वो सारी चीज़ें, तो मतलब अगर दो भाई हैं तो ये ज़रूर होना ही है हर घर में, मिडिल क्लास फैमिली में खास तौर पर. और आई थिंक हम दोनों भी को एक्टर्स नहीं थे, हम दोनों खुद भाई बन गए. तो हाँ, मेरे दो भाई हो गए छोटे. अच्छा. बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो गई थी, इवन हम चारों में बहुत ज़्यादा, इवन बिट्टू की मम्मी हम. और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था तो मेरे बड़े भाई बन गए. बड़े भाई मिल गए आपको. बहुत इमोशनल बातें हो रही हैं, बट एक्चुअली यहाँ एक बहुत प्यारा एक रिलेशन बन गया था हम सब में, जो कि गुल्लक में दिखेगा आपको और वो निकल के भी आ रहे हैं. आपके छोटे भाई ने ये शो बनाया है, तो आपका पूरा जो जर्नी रहा है आपका और आपके भाई के साथ, वो क्या आपने इस जर्नी में देखा है, गुल्लक की जर्नी में? बिल्कुल, गुल्लक की जर्नी में देखा है. एंड सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि आफ्टर शूटिंग गुल्लक वी बिकेम वेरी क्लोज एज ब्रदर्स, क्योंकि उससे पहले हम अपनी लाइफ में बिजी थे. मैं अपने काम में, मैं एक्टर हूँ वो डायरेक्टर है, तो इतना क्लोजनेस नहीं थी. भले हम साथ में ही रहते थे, हम हमेशा से साथ में ही रहे हैं, बट आफ्टर गुल्लक समथिंग हैपेंड, समथिंग मैजिकल हैपेंड. सो यस, एंड वाइल शूटिंग गुल्लक इट वाज लाइक, अरे यार ये तो देखा है यार, अरे शिट ये तो मैं करता था तुम्हारे साथ. तो हम लोग ऑफ सेट भी ऐसा बातें करते थे, यार याद है तुमने मुझे मारा था WWE की तरह. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी. तो आप दोनों की बचपन की कौन सी यादें ताज़ा हुई ये शो के साथ? यार मतलब मेरा तो, मैं 22 ही साल का हूँ तो मेरा तो अभी भी चल ही रहा है. लेकिन मतलब यही है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ये मेरा, मुझे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो ये मुझे मेरा परिवार लगा पूरी तरीके से. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, इस शो से जुड़ना किसी भी तरीके से. जब मैं टेस्ट कर रहा था तब मुझे ये था कि मुझे इस शो का एक पार्ट बनना है. वो इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी शो में पार्ट हो गए, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेन्युइनली जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी तरीके से पार्ट होना है. क्यों? क्योंकि ये मेरी फैमिली से बहुत रिसेंबल करता है, इसलिए. सेम है, सेम है. मतलब मैं भी, दो भाई हैं हम दोनों, मैं बड़ा हूँ, अमृत छोटा है मुझसे, मम्मी पापा हैं, जॉइंट फैमिली है और हम गाँव से बिलोंग करते हैं. अभी भी मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग हैं, प्रॉब्लम्स भी वही हैं. तो आई थिंक बहुत रिलेटेबल रहा है. स्क्रिप्ट बहुत प्यारी लिखी है निखिल ने. स्क्रिप्ट तो बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी लिखी है. ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि हम डायलॉग्स बोल रहे हैं. और हम चारों पांचों एक्टर्स ने काफ़ी इम्प्रोवाइज भी किया, अपने अपनी जगह की चीज़ें निकाली. ये जैसे रहा है, इसने जो लाइव देखी है, मैंने जो लाइव देखी है, सर ने जो लाइव देखी है, मैम ने जो देखी है, हम सब ने सारा ऐसे परोस दिया है और वो फ्लेवर दिखेगा आपको उसमें. शो में बहुत कुछ ओरिजिनल ऐसे दिख रहा है कि जैसा हमने लाइफ जी है वैसी ही दिख रही है. तो गुल्लक की हम बात करें तो बचपन की यादें ताज़ा होती कि हमने बहुत पैसे जमा किए गुल्लक में. तो आपको गुल्लक से लेके कौन सी यादें हैं? गुल्लक से लेके मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि मेरे, मतलब मुझे अभी भी याद है कि अभी मैं घर गया था, लखनऊ में इवेंट था, तो मेरे घर पर अभी भी 3 गुल्लक रखी हुई हैं मिट्टी की. और मैंने काफ़ी पैसा चुराया गुल्लक से. मतलब जब मैं छोटा भी था तो मेरा, तो हमें पॉकेट मनी ऐसा कुछ रूल ही वो नहीं था, तो मेरा यही काम था, या तो मैं अपने बाबा की जेब से चुराता था या फिर गुल्लक थोड़ी सी वो चिमटी डाल के 5-5, 10-10 रुपये निकाल लेता था और उसी से अपना पूरा माहौल बनता था गांव में. तो ये बहुत, मतलब, और ये हमेशा के लिए, अभी भी अगर गुल्लक मेरे घर पे रखी हुई है तो उसमें से भी निकल जाते हैं पैसे, डाले जाते हैं. तो ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा. मुझे भी अभी तक याद है कि जो मेरी जो माता हैं वो हमेशा गुल्लक में पैसे जमा करती थी मेरे जन्मदिन के लिए. तो वो एक साल में एक बार, तो एक बार याद है मुझे कि 5,000 रुपया निकला था उसमें से मेरे जन्मदिन के लिए. तो वो सब यादें हैं. अभी कितना हो गया? अभी तो थोड़ा बंद हो गई है गुल्लक, लेकिन हम एक्चुअल लेके आए. हाँ, कसम से बहुत ज़्यादा लगता है. ये तो ज़्यादा ही, तो बहुत ज़्यादा है. तो सेट पे कितना फन रहा है आपका? सेट ही नहीं रहा, फन ही रहा उसमें. एक्चुअली सेट नहीं था, एक्चुअली वो घर था जहाँ हम रहते थे और हमने सेट जैसा कुछ रहा ही नहीं. मतलब पूरी टीम बहुत बढ़िया थी,
हम सब ऐसा नहीं था कि अच्छा ये डीओपी है, ये ऐसा लगता है एक कभी कभी होता है ना कि बहुत ब्यूटीफुली हर चीज़ क्रिएट हो जाती है और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक ही तरीके के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ विद द डायरेक्शन टीम एंड विद द राइटिंग टीम, एवरीबडी वॉज ऑन द सेम पेज, एवरी वन. सो किसी को ये बताना नहीं पड़ा था कि हम क्या कर रहे हैं. सबको पता था कि अरे ऐसा शूट हो रहा है, हमें ऐसे रहना है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मजा आया. मतलब मेरी शक्ल से आपको लग सकता है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ. देवा तो दिख रहा है. तो ये शो, आप बहुत खुश हो ये शो से, तो कितना इम्पोर्टेंट और कितना स्पेशल है आपके लिए बता दीजिए. इतनी बातें कर दी, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट ही होगा, जाहिर सी बात है. वो तो पता है, बहुत आपको खुशी से समझ में आ रहा है. नहीं, जैसे इम्पोर्टेंट यार, एज एन एक्टर बोला जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोनी लिव काफ़ी अच्छे से हम लोगों को प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, देन अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं. सबसे मेन बात ये होती है कि इतने सारी चीज़ें बनती हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंचती. बट टचवुड विद दिस शो, एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट एंड एवरी वन इज़ लाइकिंग इट एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. सो एज एन एक्टर मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे आगे और चीज़ें खुलें, रास्ते खुलें जो एक्टर्स के वो होते हैं. आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, लेट्स सी. आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से कैसे रिएक्शंस मिले? अरे मत पूछो यार, बहुत इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है. बहुत वैसा है यार रिस्पॉन्स इनका, ऐसा नहीं है कि जैसे देख के निपटा दिया. इनको और मुझको काफ़ी ऐसे मैसेजेस आए कि यार ये पहली ऐसी वेब सीरीज है जो हम टीवी पे चला के देख रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज वेब सीरीज फोन्स में देखते हैं अच्छा ये एडल्ट सीन और ये सब. और सबसे अच्छी बात है कि लोग हमें अपनी फैमिली की वीडियोस भेज रहे हैं कि वो बैठ के देख रहे हैं. हाँ, वो सबसे ज़्यादा, कम से कम हमने 50-100 तो वीडियो ऐसी रिसीव कर ली होंगी सिर्फ आम लोगों से जिनको हम जानते भी नहीं. और ये सबसे बड़ी बात, मतलब मेरे लिए सबसे, हम दोनों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि लोग फैमिली के साथ देख रहे हैं, फिर वो टिकटॉक विकटॉक करके सर ऐप्स हैं उस पर भी लोग टिकटॉक बना रहे हैं उस चीज़ का, और इसके और इसको 5-5, 6-6 बार देख रहे हैं लोग. अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब लोग मेरे पास तो बहुत सारे हैं जो रोज़ भेज रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, और उनको डायलॉग्स याद हैं. तो मुझे एक मैसेज आता है तो मैं अगर रिप्लाई करूँ आपको नहीं पता, तो ये वैसा वाला वो है. तो इतना प्यारा लगता है, उनका सिग्नेचर है वो शो में कि आपको नहीं पता और उसके बाद ये गॉसिप्स देते हैं, तो लोग ऐसे कर रहे हैं आपको नहीं पता, एक बार अन्नू भैया वो बोल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं. बहुत प्यारा वो है ये शो भी, वैसा कि फैमिली के साथ बैठ के देखो, वैसे मजा तो आएगा, मजा तो वैसे ही आएगा लेकिन फैमिली के साथ डबल मजा आएगा. वो मतलब पुरानी यादें सारी ताजा हो जाएंगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज दे दीजिए आप. मैसेज यही है कि प्लीज़ गुल्लक देखिए, और इसका जो गाना है वो बहुत प्यारा है. हाँ, और वो कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, सिमरन होरा ने गाया है और जाजिम शर्मा, सिमरन होरा, और लिखा है दुर्गेश सिंह ने, दुर्गेश सिंह ने लिखा है. एंड और वो गाना सुन के ना आपको एक्चुअली, आप आँखें बंद करो और वो गाना ही सुनो, आपको गाँव का, आप जहाँ से बिलोंग करते हो सब सामने आ जाएगा. एंड आई थिंक देखो यार गुल्लक, बहुत प्यारी सी सीरीज़ बनाई है, ऐसी सीरीज़ बहुत कम बनती है. तो या उसके लिए देखो या थैंक यू सो मच.